हरिद्वार की बात करते हैं, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं, तो गंगा नदी से अछूती कैसे रह सकती थी। जलस्तर वार्निंग लेवल के नजदीक पहुंच रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 के पार बह रही है, जबकि 293 फुट गंगा का चेतावनी का स्तर है और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर पहाड़ों पर इसी तरह से बरसात का दौर जारी रहा तो माना यह जा रहा है कि आज शाम होते होते गंगा खतरे के निशान तक जा पहुंचेगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं निचले इलाकों में पानी ना भर जाए, क्योंकि मानसून के सीजन में गंगा अपना रौंदर रूप दिखा सकती है। गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, निचले इलाकों में पानी भर सकता है, तो वही कुछ निचले इलाके, कुछ निचली बस्तियां ऐसी हैं जहां पर की बाढ़ तक के हालात बन सकते हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से ये जलस्तर पहुंच रहा है खतरे के निशान की तरफ। माना यह जा रहा है शाम होते होते खतरे के निशान तक जलस्तर जा पहुंचेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार में भी गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। अभी हम यूपी सिंचाई विभाग के बैराज पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा में जल लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है जल। लेकिन अभी फिलहाल हरिद्वार में चिंता की कोई इस तरह की बात नहीं है। अभी यहाँ पर जल जो चेतावनी स्तर है वो 293 है, लेकिन जो जल है वो अभी 292 के करीब बह रहा है। इसको देखते हुए यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने लगातार इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जल लगातार बह रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने जितनी भी बाढ़ चौकियां हैं और एनडीआरएफ की टीम है उनको अलर्ट मोड पर ले आए हैं। इसके साथ साथ जितने भी निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं निचले इलाकों में गंगा के किनारे, उनको सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। खबरें अभी तक, सुमित यश कल्याण।